आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM और रेडियो जिंदगी की खास रेडियो रिपोर्ट हम लेकर आए हैं इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजीज के ऊपर, जो कि ग्राफिक एराहिल यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और लिसनर्स, इस वक्त हमारे साथ हैं एक यंग एंड डायनेमिक टीचर जिनको कि नेशनल अवार्ड मिला है। हमारे साथ हैं श्री रमेश बलूनी जी, जो कि गवर्नमेंट में टीचर हैं और ग्राफिक एराहिल यूनिवर्सिटी में आए हैं इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर, रेडियो जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्राफिक एरा वेल रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं स्पेशली फॉर स्कूल टीचर, और स्कूल में जाके वो देखना चाहते हैं कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहाँ से वो बच्चे को देख पा रहे हैं कि बच्चे में ये स्किल है कि नहीं, आने वाले समय का वो कितना अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, एक बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, तो उस तरह की चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने ये अभी यहाँ पर एक अच्छी खासी एक वर्कशॉप जो अभी लगाई है टीचर्स को लेके, पेडागोजी को लेके, एंड हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिज दैट लैगिंग विच इज़ इन द स्कूल्स, तो ये सब को लेके जो काम हो रहा है, लगता है कि टीचर को कहीं ना कहीं अपडेट होना है। टीचर्स को उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल लास्ट एंड पे खड़ा है, उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो उसके लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन लाइक ग्राफिक एरा जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और स्पेशली जैसे कि हम रिमोट स्कूल में पढ़ाते हैं, रिमोट स्कूल के टीचर हैं, उन बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने उत्तराखंड में ऐसी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं जो वेल इक्विप्ड यूनिवर्सिटी है और जिसके पास लगभग सभी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे खासे फैकल्टी डेवलपमेंट्स प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं, तो टीचर अपडेट है, और यहाँ तक कि लेबोरेटरीज़ बहुत अच्छी हैं जो हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो मेरे ख्याल से हर उस बच्चे के लिए अपने उत्तराखंड में या बाहर के बच्चों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस कैंपस में आके स्टडी करें और देखें कि हम कितने आगे तक अपनी स्किल्स को जो है ग्राउंड लेवल पे उतार पाते हैं और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बन सकते हैं। और सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, क्योंकि आपको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, स्वयं जो कि वेबसाइट है भारत सरकार की, उसमें भी आपके 60 से ज्यादा लेक्चर हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट ने सम्मानित किया है, तो टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं आप? हमारा ये मानना है कि देखो, टेक्नोलॉजी का जो मेन रोल है वो ये है कि हम जो डिवाइड्स हमारे सोसाइटी में हैं, कल्चरल डिवाइड, सोशल डिवाइड्स, इकोनॉमिक डिवाइड्स, इवन फिजिकल कास्टिज्म एंड सो मेनी थिंग्स आते हैं, तो उन सबको टेक्नोलॉजी बहुत दूर कर देता है, सारे बच्चे एक जगह पे आ जाते हैं, यू कैन से इंक्लूजन। जो टेक्नोलॉजी है उसका मेन रोल है इंक्लूजन, और ऑल काइंड ऑफ जो चैलेंजेस बच्चे के सामने हैं उन चैलेंजेस से बच्चा मीट आउट कर पाता है। तो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट आज की डेट में हम उनको ऐसे देखेंगे कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर अच्छा ओपननेस नहीं है बच्चे के पास, तो ये टेक्नोलॉजी ने बच्चे में काफ़ी इस तरह की फ्रीडम दी है कि वो ओपनली कैन कम, उसकी लर्निंग हो रही है, जिसको हम पहले टीचिंग करते थे वो टीचिंग जैसा कुछ है नहीं, वो खुद सेल्फ लर्निंग है, सेल्फ मोटिवेशन है, बच्चा सेल्फ डिटरमिंड है, और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बच्चे का स्टार्ट होता है व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स। तो अच्छा है, और हमारे ख्याल से टेक्नोलॉजी को हमें क्लासरूम तक ले जाना है, टीचर्स को इतना अपडेट होना है कि वो बच्चे की जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को सेटिस्फाई कर पाए यूजिंग टेक्नोलॉजी, और टेक्निकली उसको साउंड होने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने खुद कह दिया कि स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री कोर्सेज चल रहे हैं कई सारे टेक्नोलॉजी को लेके, टूल्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके, इवन हर सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बच्चा किसी भी टाइम जाके एक्सेस कर सकता है, सीख सकता है, और मान लीजिए उस पर टाइम नहीं है, टीचर नहीं है, तो वो वहाँ जाके अपना कोर्स कर सकते हैं। इवन बहुत छोटे छोटे कोर्स हैं जो बड़ी डिफ़िकल्टीज हैं उनको इतने ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चा फ्रीली उनको देख सकता है, सीख सकता है, और उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। जैसे हम फिजिक्स में देख रहे हैं, तो हमने पिछले साल से ही शुरू किया था स्वयं में, और लगभग हमारे 241 कोर्सेज वहाँ पर हैं जो मूक्स में अवेलेबल हैं, उसमें से कई कोर्सेज जो हैं इतने अच्छे से डिमांडिंग है कि हमारे पास मोर देन 5000 स्टूडेंट इनरोल हो गए हैं, तो एवरी टाइम वहाँ पर इनरोलमेंट चल रहा है, बच्चे सीख रहे हैं, और आपको लगेगा कि मतलब वी कैन फिल दैट गैप व्हेन सम टाइम टीचर इज़ नॉट अवेलेबल, तो या टीचर अवेलेबल भी है, वी कैन प्रोसेस दैट थिंग अगेन एंड अगेन, जो कि हम क्लासरूम में शायद नहीं कर पाते। बच्चे थोड़ा एक बार टीचर बोल के चले गए, उनका पीरियड चला गया, नेक्स्ट टीचर आ गया, तो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, या टीचर दूसरी जगह है तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता, तो वी कैन मैनेज दैट थिंग, और बच्चे की लर्निंग परमानेंट है अगर वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो लिसनर्स, ये थे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त
शिक्षक रमेश बडोनी जी, जो कि ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में आए, इनोवेटिव टीचिंग पेडागोजीज जो कि एक वर्कशॉप आयोजित की गई ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सर, रेडियो जिंदगी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।